में मर्द की एक फितरत है कि मर्द हर चीज़ को अपनी अना का मसला बना लेता है, और उसको अपनी अना के ऊपर जब कोई चीज़ उठती हुई नज़र आती है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए बेहतर ये है कि इस तरह की कोई चीज़ भी हो तो उसको इस तरह करके समझाया जाए कि जिसमें समझाने का मौक़िफ ये हो कि इंसान उसका खैरख्वाह बन के और उसका अपना बन के समझाए। जब थोड़ा सा हो कि आपको शर्म नहीं आती है या ये क्यों देखते हो या फलां होते हो, तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा था ना, तो तब भी ये कहा था वकूला लहू कौलन लय्यिनन कि ए मूसा फिरौन के पास जाकर भी नरम से बात करना, शायद के वो समझ जाए। तो मूसा से बड़े हम नेक नहीं है और फिरौन से बड़ा वो फिरौन गुनहगार नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ को ख्याल रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया उद इला सबील रब्बी का बिलहिकमति वल मौइज़ा कि अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और अच्छी बात के ज़रिए बुलाओ। तो अगर इस तरह करके समझाया जाएगा तो इंशाल्लाह एक न एक दिन वो समझ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि ठक मैंने ये उसके ऊपर तीर फेंका है और फौरी तीर निशाने पर लग जाना चाहिए, तो अगर कभी ऐसा नहीं हुआ है तो आपस के अंदर जो एक अखलाक है, आपस के अंदर जो मोहब्बत है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह करके समझाया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने तो दीन की बात ही कही है ना, मैंने तो जो है वो उसको समझाया ही है ना, मैंने कौन सी गलत बात कर दी है, तो हर चीज़ का एक तरीके से किया जाए तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से, हामिद की तरफ से भी, बीवी की तरफ से भी, तो मामला सीधे हो जाते हैं। जी जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।